introduce about the company and this beautiful movie called Bhootwali Love Story. So basically, it's KS Media presents Passion World Entertainment Productions. जो कि ये movie बना रहा है Bhootwali Love Story. I'll just say three words about this beautiful movie, which is called entertainment, and only entertainment. It's a beautiful team, it's a beautiful crew. सबने मिलके बहुत मेहनत किया है. इंदु श्रीवास्तव co-producer is Satish Pujari, which is audio lab, and the producer is Sarika Vinod Tambe. But unfortunately, she's not here. But it's fine. में किस तरह के किरदार निभा रही हैं आप? मेरा नाम कंचन अवस्थी है. मैं फिल्म में मधुबाला प्ले कर रही हूँ और मधुबाला ऐसा कैरेक्टर है जो भूत का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ऐसा भूत होगा जिससे आप सभी लोग प्यार करने लगेंगे फिल्म देखने के बाद. और आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका किस तरह का किरदार है इस फिल्म में, किस तरह के भूत आप नजर आएंगे? जिस तरह से इन्होंने बताया ऐसी भूत है जिनसे लोगों को प्यार हो जाएगा. मेरा नाम है सुहास सुधाकर. इस फिल्म में किशोर कुमार नाम का करेक्टर कर रहा हूँ, जो कि सीधा सीधा लड़का है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसी होती है कि एक लड़की से उसे प्यार होता है, और जब प्यार होता है, महसूस होता है, तब तक वो उसके सामने नहीं होती. तो वही लव स्टोरी है जो पब्लिक को जरूर पसंद आएगी. तो जब फिल्म की दोनों ही आइकॉनिक कैरेक्टर थे हमारे बॉलीवुड में, तो उनके लाइफ से कितनी इंस्पिरेशन ली है आपने? किरदार जैसे आपने बताया कि दोनों किरदार बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, तो उनसे कुछ मिलता जुलता होगा किरदार, मतलब उनके जो स्वभाव था उसके बारे में अगर कुछ आप बात करना चाहेंगे? जी नहीं, उनके किरदार से मिलता जुलता कुछ नहीं है. ये पूरी नई स्टोरी है, न्यू लव स्टोरी है. एंटरटेनमेंट रहेगी, देख लो, फिर आप खुद डिसाइड कर लो. जिस तरह से जब कोई हॉरर फिल्म की शूटिंग होती है उसके दौरान रियल में भी कुछ ना कुछ ऐसा हादसे हो जाते हैं कि हाँ लगता है, तो आपकी शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ आपके साथ हादसा हुआ? नहीं नहीं, पहले तो जो आपने शब्द लगाया हॉरर तो है ही नहीं, कहीं भी हॉरर फील है ही नहीं हमारी फिल्म में. और एक लव स्टोरी है, एक रोमांटिक लव स्टोरी है, जो कहते हैं कि कुछ ऐसी लव स्टोरीज होती हैं जो एक मतलब आसमान से जो रिश्ते बन के आते हैं, ये उस तरह की लव स्टोरी है, इसमें हॉरर कहीं भी नहीं है. जिसे ऐसी फिल्म का नाम दिया गया है भूत वाली लव स्टोरी, मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस और कॉमेडी के साथ भूत का तड़का देखने को मिलेगा आपको. मतलब ऐसा होगा कि हीरो को भूत से प्यार होने वाला है? ऐसे ही कुछ है, लेकिन पूरा हम लोग अभी नहीं सोच करना चाहते, कुछ सस्पेंस रखना चाहते हैं, जो आप जब देखोगे थिएटर में तब पता चलेगा आपको. तो थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी फिल्लौरी, जिसके अंदर जो है अनुष्का शर्मा के साथ एक लड़के को प्यार हो जाता है, तो उसी तरह की कुछ फिल्म होगी क्योंकि उसके अंदर भी भूत के साथ उनको प्यार हो जाता है? नहीं, वैसे नहीं है, ये टोटली नहीं और न्यू स्टोरी है. किसी से हमने कॉपी करने की कोशिश नहीं की, सर ने बहुत अच्छी से लिखी है, उसी को हमने पर्दे पे उतारा है. आप देखो, डिसाइड करो. मुझे लगता है ये ऐसी लव स्टोरी है जो पहली बार ऐसे बन के आ रही हो, और पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सर का बहुत ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है, जो पहली बार पब्लिक के सामने आने वाला है. बहुत सी भूत वाली मतलब जिसमें जिन फिल्मों में भूत होते हैं, बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं, लेकिन या तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे के, विजुअल इफेक्ट्स दे के उसको भूत बना देते हैं, देन हॉरर पैदा करते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा. बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. और मधुबाला, जैसा मैंने पहले ही बताया, मधुबाला बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, और वो ऐसी लव स्टोरी है जो डिवाइन लव स्टोरी है. 11 मई को फिल्म रिलीज होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है फिल्म? मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, और हम सब ने बहुत मेहनत की है. सो बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है, आपको एक बार फैमिली के साथ ज़रूर जाना चाहिए. फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको हॉरर तो देखने मिलेगा, भूतवाली लव स्टोरी है तो थोड़ा बहुत हॉरर है, कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, तो फुल एंटरटेनमेंट मूवी है. आप ज़रूर आओ, फैमिली के साथ देखो, मज़ा आएगा. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम तुषार आचार्य, मैं भूतवाली लव स्टोरी में एक चोर का कैरेक्टर किया हुआ है, कॉमेडी कैरेक्टर.
जो आपको अलग तरीके के कॉमेडियन मिलेगा देखने के, कुछ डिफरेंट मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में, आप किस तरह से जुड़े हैं और किस तरह के किरदार आपका नजर आएगा इस फिल्म? हेलो, माय नेम इज प्रीतम भंडारी और आई एम डूइंग अ लीड विलन इन दिस मूवी और ये डिफरेंट टाइप ऑफ विलन तो आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा जो कि हर एक एंगल से अलग अलग करने का ट्राई करता है, उस टाइप का किरदार कर रहा हूँ और किरदार का नाम है मेरा संजय बोल के। थैंक यू। इस फिल्म में सबसे मेरे को विशेष बात ये लगी कि अभी तक अपन भूत वाली जो है हॉरर के रूप में देखते आ रहे थे, राज 2 राज 3 इस ढंग का, ये भूत वाली लव स्टोरी पूरी तरह से अलग हटके है। फर्क है कि आप लव स्टोरी देखते हैं, इसमें जो है वो भूत की लव स्टोरी है और कहानी जरा हटके है। शांतनु अनंत तांबे जो है डायरेक्टर मेरे अच्छे मित्र हैं और उनके साथ ये जुड़ा जब इनमें इसमें मैंने, मुझे अच्छा लगा कहानी, तो मैंने कहा जुड़ने लायक है और एक कहानी हटके है दर्शकों को पसंद आएगी, आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ इसको देख सकता है। अदरवाइज जैसे भूत वाली हॉरर पिक्चर को लोग बच्चों को नहीं दिखाते, अपने फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करते कई बार, तो ऐसा नहीं है, एक हर तरह से होते हुए फैमिली पिक्चर है। फिल्म की स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई? क्योंकि स्टारकास्ट डायरेक्टर ने किया, शांतनु जी ने, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। तो इसके अलावा फिल्म का यूएसपी क्या होने वाला है, फिल्म का बजट क्या होने वाला है और फिल्म कहाँ कहाँ पे शूट हुई है, अगर उसके बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस के साथ? हाँ, ये फिल्म शूट हुई है दिल्ली में, दिल्ली के रोड में हुई है, यहाँ मुंबई में, मुंबई के शायद मेरे ख्याल आई थिंक भुल्लर हाउस बार फिल्म सिटी मुंबई, सारे इसमें जो है इन जगहों पे मुंबई और दिल्ली दो जगह शूट है। बजट डायरेक्टर बताएंगे आपको, बजट तो डिस्कस नहीं कुछ बजट तो डिस्कस नहीं ओके। जब स्टार कास्ट से बात की तो उनका कहना है कि इसमें कुछ भी हॉरर नहीं है, तो नाम किस तरह पहले आपने दिया है कि भूत वाली लव स्टोरी, किसमें भूत नहीं है? या ऑफ कोर्स एक्चुअली ये भूत वाली लव स्टोरी टाइटल्स आपको लगेगा तो हॉरर फिल्म है, बट बेसिकली इट्स नॉट ए हॉरर मूवी, एक प्योर एक आत्मा एक गुड सोल का एक लव स्टोरी है। और जब शांतनु जब ये कहानी सुनाया मुझे तो मुझे खुद को इतना अच्छा लगा कि मतलब इट्स एक आत्मा और ये रियलिस्टिक तरीके से एक फिल्म आ गया और टेक्निकली भी बहुत अच्छा किया हुआ है। एंड शांतनु इज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी टेलर है, कि इनके पहले फिल्म में था जो यारी दोस्ती, यू नो मैं भी उसमें जुड़ा हुआ था उस फिल्म में, एंड इट वॉज अ फैंटास्टिक मूवी, इज अ गुड डायरेक्टर गुड स्क्रिप्ट एंड उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा पब्लिक को और बहुत टेक्निकली भी बहुत अच्छा बना हुआ है फिल्म में, मतलब कोई हॉरर मीन्स हॉरर मूवी नहीं रहेगा, दिस इज एन लाइक एक प्योर सोल की कहानी है और उसका जर्नी है, एक लव स्टोरी है उसका। थैंक यू। यस सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भूत वाली लव स्टोरी की कहानी क्या होगी, या हॉरर फिल्म होगी या लव स्टोरी होगी, भूतों की स्टोरी होगी? नहीं, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी इंसान भूत होने से पहले इंसान होता है, उसके बाद उसकी रूह बाहर निकलती है और वो भूत, हम जिसे भूत कहते हैं। तो ये कहानी प्योर रोमांटिक लव स्टोरी है, हमें शुरू से पता है ये कि किसी की ख्वाहिशें अधूरी होने की वजह से उनकी आत्मा भटकती है और वो भूत होती है। इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है कि एक प्यारी सी लड़की है जिसकी अधूरी प्रेम कहानी, वो उसके मरने के बाद किस तरह से वो पूरी होती है, उसकी पूरी कहानी है ये भूत वाली लव स्टोरी। थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी फिलौरी करके, तो उससे कितने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी भूत से जुड़े लड़के को प्यार हो जाता है और ये नहीं, यही कह रहा हूँ ना कि टोटल आज तक जितनी भी भूत की स्टोरी आई है, हर भूत रिवेंज लेने के लिए या मोहब्बत में कहीं ना कहीं इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इसमें आपको एक अलग जोनर देखने मिलेगा और एक लड़की की तड़प। बेसिकली मुद्दा है कि लड़कियों के साथ ये जो आज रेप हो रहे करंट इशू चल रहा है, तो लकीली हम उसी दौरान इस कहानी को लेके जा रहे कि एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ कि किस तरीके से व्यवहार हमारे हिंदुस्तान में आज भी हो रहा है, जो प्रेजेंट में दिख रहा है उसी से रिलेटेड लकीली ये फिल्म भी उसी जोनर में है। लेकिन इंटरटेनमेंट करना है, हमें नहीं पता था हमारे हिंदुस्तान में ये सब होगा, होना भी नहीं चाहिए, हमने एक एज्यूम करके लिखा था जो कभी हुआ होगा, तो उसी जोनर में ये फिल्म है और एक वेरी डिफरेंट।
इसके अलावा स्टार कास्ट काफी नई है, तो कैसे फाइनलाइज किया, क्योंकि स्टार कास्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्टार कास्ट बहुत जरूरी होती है, लेकिन क्या होता है अगर हमारे जैसे फिल्म मेकर्स राइटर डायरेक्टर स्टार कास्ट के पीछे भागेंगे तो पता नहीं हम डायरेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। आपको सबको पता है बड़ा बैनर, बड़े आर्टिस्ट, ये पूरा गेम ऊपर कैसे चलता है, तो हम हमारी क्रिएटिविटी लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसी लिए हमें नए स्टार कास्ट की ज़रूरी होती है जिसमें टैलेंट हो। हम टैलेंट को ढूंढते हैं, नए लोगों के साथ काम करते हैं ताकि उनका भी टैलेंट लोगों को दिखे, नहीं तो कोई चांस ही नहीं सर। हम नए पुरानों के पीछे भागेंगे, पुराने और उनके पुराने के पीछे लगेंगे तो किसी को काम नहीं मिलेगा। 11th मई को फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या USP होगी फिल्म की, ऑडियंस को क्यों फिल्म देखनी चाहिए? आप पोस्टर देखा होगा आपने, आशिकी टाइप का पोस्टर दिख रहा है और नीचे लिख रहे हैं हम लोग भूतवाली लव स्टोरी, यही अपने अपने USP है। कहीं पर भी हॉरर डोनर नहीं है पोस्टर में, कहीं पर भी ये USP है। थैंक यू, फील कराएगा। स्टोरी में किस तरह के गाने आपने दिए और कितने गाने हैं? नाम प्रवीण मनोज के नाम से हम लोग काम करते हैं, मेरे पार्टनर किसी वजह से आ नहीं पाए आज। फिल्म में एक ही गाना है जो बहुत रोमांटिक गाना है और पूरी फिल्म की स्टोरी उस गाने में के थ्रू मालूम लगती है। एक ही गाना है पूरी फिल्म में और रोमांटिक गाना है। तो क्या खास बात होती है आपके म्यूजिक में, क्या कुछ मतलब कौन से सिचुएशन में आएंगे इस फिल्म में गाने, कितने गाने होने वाले? अगर थोड़ा फिल्म में गाना एक ही है, खास बात ये होती है कि दिल से बनाते हैं और जो दिल से बनाई जाती है वो खास होती है सबके लिए, और चाहते हैं कि अपने दिल से बनाए और दूसरों के दिल तक वो पहुंचे गाने। बस हमारे साथ लिरिक्स राइटर भी है, सिंगर भी है, क्या कहना चाहेंगे? दो लाइन गुनगुनाना भी चाहेंगे? नहीं, मैं लिरिक्स राइटर हूँ, मैं गुनगुना नहीं सकती। सर सुनाएंगे और सुनिए, आप लोग बहुत अच्छा, सर ने म्यूजिक किया है उसमें और मुझे सर ने ट्यून सुनाई, फिर उसके बाद लिखा मैंने, और बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोग ज़रूर सुनिए और बाकी आप सुना दीजिए। हाँ, मैंने गाया है वो गाना क्यों खामोश है सुबह, बहुत अच्छा गाना है, प्रवीण सर ने ये कंपोज किया है, उन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि बहुत फिल्म बहुत अच्छा लगे सबको, और गाना भी मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और यही है कि सबको पसंद आए। दो लाइन अगर गुनगुना दीजिए। क्यों खामोश है ज़ुबान, हाले दिल करूं बयां, अब तो है हो गई खामोशी की।